आज मैं यहाँ पे बना के तैयार कर ली हूँ सोयाबीन और आलू की बहुत ही यम्मी सी ग्रेवी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देर ना करते हुए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है ना, एक जगह पे हम बिल्कुल गर्म पानी ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, ये सोयाबीन को ना भिगो देंगे। यहाँ पे मैंने मिनी सोयाबीन लिया हुआ है, उसको मैं भिगो के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। जी हाँ, ऐसे ही मैं मिला के पानी में उसको भिगो के रख रही हूँ। जब तक ये भीग रहे हैं, हम चलिए आगे की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैं क्या करूँगी, ऑयल ले लूँगी और वहाँ पे मैं बड़े बड़े कट करके ये जो प्याज है ना उसको फ्राई कर लूँगी। प्याज के साथ यहाँ पे मैं डालूँगी लहसुन और अदरक भी। सबको हम 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर देंगे, है ना। खुले में ही हमको इसको फ्राई कर लेनी है जब तक प्याज का कलर ना ऐसे ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ पीनट्स डाल रही हूँ, एक मुट्ठी के तकरीबन हमें ना क्या करना है, पीनट जो रहती है उसको डाल देंगे। उसको डाल के सबको मिला के हमें फ्राई कर लेनी है 4 से 5 मिनट। देखिए ये हो गया है ब्राउन कलर। हम इसको निकाल लेंगे और ब्लेंडिंग जार में थोड़ी सी ठंडा होने के बाद ब्लेंडिंग जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद ग्राइंड करके इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और पेस्ट बन करके तैयार हो गई है। उसी कढ़ाई में अब मैं क्या करूँगी, जीरा डालूँगी, हींग थोड़ा सी डाल दी और उसके बाद खड़े मसाले जो मेरे पास थे उसको मैं डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे, एक तेज पत्ता के साथ जब सारे चीज़ चटकने लगे, मसाले जो हमने पीस कर रखे थे उसको डाल देंगे और अच्छे से इसको मिलाते जाएंगे और पकने देंगे। ये लगेंगे हमें 10 से 15 मिनट पकने के लिए, क्योंकि जब तक ऑयल ना निकले हमको पकाते रहना है। यहाँ पे मैं जरा सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद मैं दे दूँगी लाल मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर के बाद हम दे देंगे धनिया पाउडर और उसके बाद मैं थोड़ी कलर के लिए डालूंगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर। जी हाँ, सबको मिलाने के बाद सब्जी मसाले देकर हमको अच्छे से इसको मिला लेनी है और कवर करके 5 मिनट तक पकने देंगे। वाओ, उसके बाद जब मसाले 60% पक जाए हमको फिर टमाटर ऐड करना है। यहाँ पे एक टमाटर मैं ले रही हूँ। जब तक मसाले पक रहे हैं, दूसरे कढ़ाई में मैं जो भिगा के रखी थी सोयाबीन उसको और छोटे छोटे पीसेस में आलू को कर लूँगी अच्छे से फ्राई। थोड़ी सी नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। तब तक देख लेते हैं मसाले। मसाले एकदम लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मसाले एकदम बन करके तैयार हो गए हैं। उसके बाद जो सोयाबीन को हमने वहाँ पे फ्राई करे थे सबको इनमें मिला लेंगे और हमारी यम्मी सी ग्रेवी बनकर 5 और 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैं गर्म पानी इसमें ऐड करके बिल्कुल ग्रेवी बना दी हूँ। अब ये देखिए बनकर के तैयार हो गई बहुत ही शानदार सी सोयाबीन बड़ी की ये रेसिपी। सोयाबीन के साथ आलू को भी आप ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके एक बार करी बनाइए। इतनी ज़्यादा सुंदर बनेगी, आप बिल्कुल खाते ही रह जाएंगे। यहाँ पे मैं प्लेटिंग की शुरुआत कर चुकी हूँ। चावल आज ले लूँगी अच्छे से और साथ ही मैं दाल नहीं बनाई हूँ आज, क्योंकि सोयाबीन की जो ग्रेवी है ना मैं उसको अच्छे से ग्रेवी बनाई थी तो उसके साथ चावल। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आम। मेरी लंच तो बन कर के है तैयार। आप भी एक बार ऐसे बनाइए, दाल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी।